फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। मेरठ कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल के भतीजे जितेंद्र अट्टू को बेटे समेत पुलिस जिस तरह से बीती रात दुकान से उठाकर ले गई, उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। लॉकडाउन के उल्लंघन पर नोटिस चस्पा में जुर्माना हो सकता था, लेकिन जितेंद्र को धक्के देते हुए जीप में बैठाया गया। सिफारिशों का दौर चला, फोन घन घन आए, लेकिन जिला व शहर पुलिस द्वारा यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया गया कि इस बारे में ADGC ही बात कर कुछ राहत पाई जा सकती है। यह बात अलग है, सभी को कुछ देर बाद ही थाने से जमानत पर छोड़ भी दिया गया, लेकिन जो बेइज्जती होनी थी अथवा करनी थी वह हो चुकी थी। थाने में जितेंद्र अट्टू ने इस तरह लाने वे गाली गलौज करते हुए जिस तरह लाया गया, उस पर रोषपूर्वक नाराजगी जताई। उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि जितेंद्र को थानेदार से उम्मीद नहीं थी। थानेदार आशुतोष का कहना है कि कैलाश डेयरी संचालक को कई मर्तबा लॉकडाउन में समझाया गया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसे गिरफ्तार करना पड़ा। वहीं कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल के भतीजे जितेंद्र अट्टू का आरोप है कि नौचंदी थाना क्षेत्र में दो हुक्का बार पकड़े गए। दोनों मामले में थानेदार ने सिर्फ लीपापोती की, पकड़े गए लोगों को भी छोड़ दिया। सेंट्रल मार्केट स्थित एक होटल अय्याशी का अड्डा बना हुआ है, इन सब का वह विरोध कर रहे थे, जिस कारण उन्हें इस तरह नीचा दिखाने की कोशिश की गई। जितेंद्र अट्टू ने थानेदार के खिलाफ कार्रवाई न होने पर अपने मान सम्मान के लिए धरना देने की भी चेतावनी दी है। लॉकडाउन मार्च में लगा था, इस दौरान दवा व दूध की आपूर्ति बहाल थी, बाकी कुछ नहीं। दारू बाद में प्रतिबंध के दायरे से बाहर की गई। इस दौरान शास्त्री नगर स्थित कैलाश डेयरी बराबर खुली। आरोप यह भी लगा कि दूध के साथ साथ बाकी सामान की आपूर्ति भी बराबर की जा रही है। नौचंदी थाना मेहरबान था, लिहाजा कुछ नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो सिर्फ कागजी। बीती रात जो हुआ वह अप्रत्याशित था। नौचंदी SO आशुतोष वहां पहुंचे, दुकान पर कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल का पोता बैठा हुआ था। थानेदार की रोजाने ही वहां आना जाना रहता है, लिहाजा बेटे ने थानेदार के पैर छुए और पुलिस ने उसे जीप में डाल लिया। जितेंद्र अट्टू ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी धकेलते हुए जीप में डाल दिया, जिसकी जितेंद्र को भी उम्मीद नहीं थी। थाने का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें बोले जा रहे डायलॉग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं जितेंद्र व थानेदार आशुतोष के बीच अच्छे संबंध रहे हैं और जितेंद्र को थानेदार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तारी की सूचना जैसे ही फैली, फोन घन घना उठे। कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल ने थाने में मौजूद CO संजीव देशवाल से बात की तो जवाब दिया गया कि वह अभी थाने में नहीं है, जाकर मामला देखते हैं। यहां करीब एक घंटे ड्रामा चला और इसके बाद जितेंद्र समेत सभी को जमानत पर छोड़ दिया गया। सवाल उठ रहा है कि आखिर भाजपा के कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल की बात को अनसुना व नजरअंदाज क्यों कर दिया गया? क्या इसके लिए ऊपर से कोई हरी झंडी दिखाई गई है? दरअसल 60 करोड़ रुपए की NCERT की नकली किताबें मिलने के मामले में कैंट विधायक को लपेटा जा रहा है। विधायक का बेटा पूर्व नकली किताब छापने में माहिर संजीव गुप्ता का पार्टनर रहा है, यहीं से लगे दाग विधायक को छुटाने भारी पड़ रहे हैं। शास्त्री नगर व्यापार मंडल के महामंत्री जितेंद्र अट्टू ने अब कई गंभीर आरोप नौचंदी थानेदार आशुतोष पर लगाए हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में तमाम अवैध काम वो करा रहे हैं। फर्स्ट बाइट को जितेंद्र अट्टू ने बताया, मैं जितेंद्र अग्रवाल कैलाश डेयरी का मालिक हूँ और जागृति व्यास शास्त्री नगर संयुक्त व्यापार संघ का महामंत्री हूँ। कल शाम 7:30 बजे
इंस्पेक्टर आशुतोष की गाड़ी आती है, मैं बुखार में ऊपर बिस्तर पर लेटा था, इन्होंने जो है मेरे बेटे को बुलाकर गाड़ी में डाल लिया, क्योंकि वो इसलिए गाड़ी में चला गया क्योंकि वो रूटीन में आशुतोष आते रहते हैं, इस घर में जो अंकल ने बुलाया वह चला जाऊँ, वो गाड़ी में डाल के उसको थोड़े से आगे ले गए थे। मुझे खबर आई कि मैं ऊपर से उतर के आया बुखार में, मैंने कहा आशुतोष जी ये कोई बढ़िया बात नहीं है, आपने इस बच्चे को 18 साल के बच्चे 19 साल के बच्चे को गाड़ी में डाल लिया, अगर इसके हार्ट में या कोई दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ जाती कौन जिम्मेदार होता? आप भली बात ही जानते हैं बच्चे को, बच्चा आपका कितना सम्मान करता, इनमें सब बात को किनारा करते हुए उसे गाड़ी में डाल लिया। जब मैं आया तो मैंने ये सारी बातें उसे कही, मैंने कहा आपको ले चलना है मैं चलूँगा आपके साथ, इन्होंने मुझे भी गाड़ी में धक्का मुर्की मार डाल के गाड़ी में डाल लिया और थाने ले जाने के लिए इन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। लॉकडाउन के अंदर नियमानुसार ये मेरा चलान कर सकते हैं, मुकदमा कायम कर सकते हैं, मुझे गाड़ी में डाल के मेरा उत्पीड़न नहीं कर सकते। ये मामला डगआउट की हमने शिकायत की थी, इसलिए इन्होंने हमारी डेयरी पर छापा मारा गया, क्योंकि ये डगआउट से एक नया बार खुला है उसका बार, उससे साइन होटल किशोर वाधवा विनोद रोड़ा का है, मालिक तो विनोद रोड़ा है, साथ में किशोर वाधवा भी रहते हैं, वहाँ सेक्स रैकेट का पूरा काम चलता है जो इंस्पेक्टर आशुतोष के ब्याह पे चल रहा है, पूरे लॉकडाउन चला है, हरियाणा की शराब भी की है, सारे काम हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए जो है कैलाश देवी पर छापा मारा गया। मैं इन सब चीज़ को देखते हुए मानव अधिकार में जाऊँगा, जब मैं महामंत्री संयुक्त रूप जागतिक बिहार का महामंत्री हूँ, जब मेरे आम आदमी के साथ क्या करेंगे जब मेरे साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार किया। इन्होंने जो है मेरे बड़े कैंड विधायक अग्रवाल जी उनके लिए भी अब सब बोले आशुतोष है, सबको देख लूँगा। मैं मानव अधिकार के अंदर जाकर इनकी शिकायत करूँगा, इनके खिलाफ मुकदमा कायम कराऊँगा। शासन का जागृति बिहार सिंह कुमार सिंह से पदाधिकारी को लेकर एडी साहब से भी मिलूँगा, इन संबंध में लगातार शिकायत करूँगा, और अगर तब भी कुछ सुनवाई नहीं हुई तो मैं सेंट्रल मार्केट पर अपनी टीम के साथ धरने पर अनशन पर बैठूँगा, धरना भी दूँगा। मेरा प्रशासन शासन से उम्मीद है कि मेरी इस आवाज़ को वो समझेंगे और मेरी इस समस्या को दूर करेंगे, धन्यवाद। बता दें कि मेरठ शास्त्री नगर में संयुक्त व्यापार संघ के 54 इकाई संचालित हैं। पूर्व में किशोर वाधवा वे विनोद अरोड़ा का वर्चस्व रहा है, लेकिन अब व्यापारियों के सिर फुटावल के बीच जितेंद्र का व्यापारी राजनीति में दखल ज्यादा हो गया है। विनोद अरोड़ा के साहिल होटल पर पूर्व में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पुलिस छापा डाल चुकी है। जितेंद्र का आरोप है कि अभी भी थानेदार के संरक्षण में सारे गलत काम क्षेत्र में चल रहे हैं। हालांकि थानेदार आशुतोष का कहना है कि लगातार लॉकडाउन उल्लंघन के कारण उन्होंने बीती रात यह कार्रवाई की है। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।